मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि कुछ एग की डिशेस बताएं जो टेस्टी भी हों, हेल्दी भी हों और जल्दी बने और जो ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा काम करें। तो आज निधिगर कलाकृति में हम पेश कर रहे हैं 2 egg recipes। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां ले लीजिए। मैं यहाँ पर प्याज, स्प्रिंग अनियन, बेल पेपर्स, टमाटो, ग्रीन चिली, कोरिएंडर ले रही हूँ। साथ में मेरे पास है चीज स्लाइस, बटर, एग्स जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, उसके साथ मेरे पास यहाँ है नमक, लाल मिर्च, ओरेगनो और ये है ग्रेटेड चीज़। साथ में हमें चाहिएंगे ब्रेड स्लाइसेस। अब ये बेचारे अंडे सोच रहे हैं इनका क्या बनेगा। तो सबसे पहले एग्स को फोड़ के हम उन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे। अब ब्रेड स्लाइस लीजिए, इसको एक ग्लास की मदद से सेंटर में से गोल काट के निकाल दीजिए। ये जो गोल पीस है आप इसे बाद में टोस्ट करके खा सकते हैं। अब जो एग बीट करे हैं उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए। दूध मिलाने से एग जो है वो बहुत फ्लफी बनता है। इसको अच्छे से बीट कीजिए। इसमें बेल पेपर डालिए, स्प्रिंग अनियंस डालिए, लैटिस डालिए, कोरिएंडर लीव्स डालिए, कोरिएंडर की जगह आप बेजल लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनियंस डालिए, टमेटोज डालिए, ग्रीन चिली डालिए, जो भी सब्जी आप खाना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। इसलिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ऐसी ही अंडे की रेसिपी हमने एक और दी है 1 pot meal के नाम से, आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल पर उसे देखिए। अब इन एग्स को अच्छे से मिक्स कीजिए, सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें रेड चिली पाउडर डालिए, सॉल्ट डालिए, सॉल्ट थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि एग ऑलरेडी थोड़ा सॉल्टी होता है, और ओरेगानो डालिए, और अच्छे से सारे स्पाइसेस को इस मिक्सचर में मिक्स कीजिए। अब एक पैन में 1 चम्मच बटर डाल के गरम कीजिए। जब ये बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तब आपने जो ब्रेड का स्लाइस जिसमें से हमने गोला काट के निकाला था उसको इस पे रखिए। अपने गैस की फ्लेम को सिम पे ही रखिएगा। जब ये थोड़ा सिकने लगे तब आपने जो एग मिक्सचर बनाया था वो इसके सेंटर में डाल दीजिए। अब इसके ऊपर आप ग्रेटेड चीज़ डालिए। मैं यहाँ मोज़रेला का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ओरेगानो डालिए और 1 cheese slice इसके ऊपर रख दीजिए। अच्छे से प्रेस कीजिए। अब हल्के सी उसी एग की कोटिंग इसके ऊपर लगाइए और 1 और slice ब्रेड का इसके ऊपर लगा दीजिए। अब इसे दबाकर 1 साइड से सेकिए। जब ये नीचे से क्रिस्पी हो जाए तब इसके ऊपर बटर रख के इसको दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने तक सेकिए। देखिए आपकी एग की एक डिश तैयार है।
अब एग की दूसरी डिश बनाएंगे जो एक एग सैंडविच की तरह से है। सबसे पहले दो अंडे लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑरेगेनो डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और इसको अच्छे से बीट कीजिए। इसमें भी हम एक बड़ा चम्मच दूध डालेंगे और फिर इसे अच्छे से बीट करेंगे। तब तक एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल दीजिए और जब ये बटर गर्म हो जाए तब ये एग मिक्सचर आप इसके ऊपर ऑमलेट की तरह से फैला दीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पुदीना पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप धनिया डाल सकते हैं, आप बेजिल डाल सकते हैं। और अब दो एग ब्रेड के स्लाइसेस इसके ऊपर रख दीजिए। ये मैंने कट इन टू हाफ करा है। इसको एक बार फिर से उसमें भिगा के पलट दे रही हूँ जिससे कि एग की कोटिंग दोनों तरफ हो जाए। जब ये सिक जाए तब आप इसे बड़े आराम से पलट दीजिए। ये मैंने थोड़ा कच्चा हिला दिया है इसलिए टूट गया है, आप थोड़ा ध्यान रखें। जब ये सिक जाए तभी इसे हिलाएं। अब इसे बड़े आराम से आप फ्लिप कर दीजिए यानी कि पलट दीजिए। ये जो ब्रेड स्लाइस से बाहर अंडा निकल रहा है उसको आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। दबा के सेकिए जिससे कि नीचे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो अच्छे से सिक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। अभी देखिए मैं साइड से एग को फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से आप चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब एक चीज स्लाइस के दो पीस करके इसको इसके ऊपर रखिए। एक पीस एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर, एक पीस एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर। थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी लगाइए, या मैं कोरिएंडर और मिंट की चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर दी हुई है। पनीर के दो स्लाइसेस रखिए। इसके ऊपर पनीर के ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और अब इसे दोनों तरफ से पलट के सैंडविच का आकार दे दीजिए। आपका एक हेल्दी टेस्टी एग चीज सैंडविच तैयार है। थोड़ा सा धनिया पत्ती से इसको सजाएं और सॉस के साथ पेश करें। ये देखिए जो हमने कट किया था, आप इस तरह से हाफ फ्राई भी बना सकते हैं। ऐसी ही और ढेर सारी रेसिपीज, आर्ट एंड क्राफ्ट और यूजफुल टिप्स के लिए जुड़े रहें निधिगर कलाकृति के साथ। थैंक यू।